की शुरुआत हो जाएगी शाम करीब 4 बजे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुभारंभ करेंगे इस मेले का। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहरलाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 45 देशों के विदेशी कलाकार भी इसमें हिस्सा लेंगे। और सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। 36वां ये सूरजकुंड का मेला और इसका शुभारंभ आज से हो जाएगा। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे इस मेले का शुभारंभ करने के लिए। आज से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो जाएगी। शाम करीब 4 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। 45 देशों के विदेशी कलाकार यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और देश भर के अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और खासतौर पर अगर मेहमानों की बात करें तो SCO संगठन के जो राजदूत हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, G20 संगठन के जो राजदूत हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, हिस्सा लेने वाले हैं। यानी कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये जो कार्यक्रम और इसमें वैसे ही जो झलक है यहाँ पर देखने को भी मिलेगी। जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व प्रसिद्ध ये मेला है वैसी ही झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस बार जो आयोजक हैं इस मेले के उनकी तरफ से साफ तौर पर हरियाणा पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी साफ तौर पर ये जानकारी दी जा रही है कि इस बार दर्शकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, दर्शकों को काफी कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। आज से इस मेले की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका शुभारंभ करेंगे। आज शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे जगदीप धनखड़ और इस मेले की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जिसकी आज से शुरुआत हो जाएगी, इसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति करेंगे। तो सूरजकुंड मेले की तैयारियां लगातार चल रही हैं और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। शाम को करीब 4 बजे के बाद यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। सुरक्षा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। आज से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो जाएगी और मेले की तैयारियां जोरों शोरों से पहले से ही चल रही हैं। समय समय पर तमाम जो जानकारियां हैं वो अधिकारियों की तरफ से साझा की गई और खुद मुख्य सचिव की तरफ से भी समीक्षा बैठक इसको लेकर के की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों से और कर्मचारियों से इस बारे में चर्चा की गई, तैयारियों की समीक्षा की गई। और आज वो दिन जब इस मेले की शुरुआत हो जाएगी और इस मेले की शुरुआत करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुंचेंगे। आज शाम को एक कार्यक्रम जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और इनके अलावा भी स्थानीय स्तर पर कई नेता विधायक यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत होने जा रही है और आज शाम को करीब 4 बजे का ये समय जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहेंगे। 45 देशों के कलाकार यहां पर पहुंच रहे हैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए, अपना जौहर दिखाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं लगातार कलाकार। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, आज से सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो जाएगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज? बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि आज बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर जो मेले का शुभारंभ किया जा रहा है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं 8 राज्यों की थीम स्टेट इस बार बनाई गई है। काफी बड़ा और भव्य मेला इस बार बनाया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तमाम सुविधाओं का ख्याल भी यहाँ पर रखा गया है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर आने जाने की दृष्टि से हो। तमाम जो भारी व्हीकल है उनको पहले से ही आज से डाइवर्ट कर दिया जाएगा, उस रोड पे भारी वाहनों का जाना भी वर्जित रहेगा। जो दिल्ली की ओर जाने वाले लोग हैं वो हाईवे ले सकते हैं लेकिन वहां से नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें, तमाम अधिकारी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके अलावा तमाम जो देश हैं 40 देश के लगभग हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र।